दोस्तों मादी जो है हमारी आ चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं अब क्या करती है, अंडों पर बैठती है या क्या करती है, क्या मूड है इसका। तकरीबन ये पुड़क पर तो तैयार है, मुझे लगता है थोड़ा सा ना चूज़ों की वजह से ना डिप्रेशन में है, तो देखते हैं अभी दोस्तों इसको। उम्मीद तो है कि ये बैठ जाएगी, आ रही है, ये आ गई है इंशाल्लाह ताला। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, माशाल्लाह मादियाँ हमारी जितनी भी हैं बहुत अच्छी। हाँ जी, क्या हाल चाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त भाई बुज़ुर्ग अहबाब सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपका शौक सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। तो जैसा कि दोस्तों हर बार वीडियो बनाते हैं, जब भी मुर्गी अंडों पर बिठाते हैं, आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि फ्रिज वाले जो अंडे हैं दोस्तों वो कैसे रखने हैं और मुर्गी के नीचे और क्या तरीक़ाकार है। तो माशाल्लाह चूज़े भी निकलते हैं सारे। तो बहुत सारे भाई जो हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो कमेंट में भी आप लिखा करें, कोई मसला नहीं, मैं उधर भी जवाब देता हूँ कि यार मुर्गी कैसे बिठानी है। तो जब भी मैं नए तरीके से मुर्गी बिठाता हूँ दोस्तों, आपको ज़रूर दिखाता हूँ सब, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बिल्कुल दोस्तों इसी तरह आज एक और हमारी मादी है दोस्तों, उसने ना तकरीबन 9 से 10 अंडे दिए हैं। तो प्योर मियाँ वाली की है, स्लेटी पीली स्लेटी। तो दोस्तों उसने ना आज कुड़क हो गई है, तो आज उसको अंडों पे बिठाएंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से दोस्तों गाइड करेंगे और आपको समझाएंगे और से और अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से मुर्गी कैसे बिठानी है, वो भी गर्मियों के महीनों में। 5वां 6वां महीना भी चल रहा है, 5वां महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 2-3 दिन रह गए हैं। तो साथ आपको सब तरीके भी इंशाल्लाह बताएंगे, तो अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको हर बात की समझ आ सके, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, ये आ गया है जी हमारा, जो पंजाबी में इसको कोला बोलते हैं दोस्तों, कोला आ गया है। पिछली बार एक भाई ने सवाल किया था कि जी कोले से निशान लगाते हैं अंडों पर तो वो तो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक नहीं ख़त्म हुए हैं मेरी मादी के, माशाल्लाह अभी 20 दिन हो गए हैं, पूरे बच्चे निकलने वाले हैं मुश्किल रत्ती मादी के। तो फिर भी आप आज को एक और तरीके से बता दूंगा, आप परेशान नहीं होना। तो ये जो है निशान लगाने हैं इसलिए कि जो बारिश वगैरह का मौसम है, बदल गरजते हैं, आपके अंडे ख़राब ना हो। तो चलते हैं दोस्तों फ्रिज से अपने अंडे लेकर आते हैं, चलें। जी दोस्तों तो ये आ गए हैं जी, माशाल्लाह ये देखें, ये जो हमारी मादी ने अंडे दिए हैं ये देखें दोस्तों, अब इसको उठा लेंगे हम फ्रिज में से। तो अभी रात की ना जो बिजली थी वो बंद थी, जिसकी वजह से ना दोस्तों फ्रिज भी बंद थी। तो अंडे तकरीबन अपनी अच्छी कंडीशन में हैं, फिर भी दोस्तों हम इन अंडों को उधर रखेंगे, लेकिन मुर्गी को अभी बैठने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अंडे ज़रा नॉर्मल हो जाएं और दोस्तों अपनी कंडीशन में आ जाएं। तो ये देख सकते हैं आपका भाई राणा साजिद आपको हर बात अच्छे तरीके से गाइड करेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं डालना दोस्तों, बस कोशिश करें मिट्टी वगैरह हो, क्योंकि मौसम बहुत आउट क्लास है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि ना आप मिट्टी डाल दें बस, ताकि मुर्गी जो है वो अपने अंडों को अच्छे तरीके से संभाल सके। जी तो थोड़ा सा दोस्तों हम लेंगे साथ इसके रेत, ठीक है, ताकि रेत जो होता है दोस्तों ये तकरीबन ठंडा होता है, तो थोड़ा सा हम रेत लेंगे। तो मादी भी हमारी माशाल्लाह ये देखें आ चुकी है, तो अभी ये ना पक्का कुड़क हो चुकी है दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है, यकीन करें आप। बस ये बता रही है कि मुझे दस्ती जल्दी जल्दी अंडों पर बिठा दें। तो देखें दोस्तों आप, इसमें हम डालेंगे रेत, ठीक हो गया, ताकि रेत जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो सके, ताकि हमारी मुर्गी जब भी अंडों पर बैठे तो इसे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया दोस्तों। तो
अंडे जो हैं हमारे तकरीबन दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं इनके, ये अंडों में पड़े हुए। तो अंडे हमारे माशाल्लाह सब के सब ठीक हैं। तो इसको ना अंडों को आप, आज असल में ना कासम भाई है नहीं मेरे साथ, वो काम पर हैं और मैं अकेला हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार मुर्गी अंडों पर बिठानी है और साथ वीडियो भी बना दें, साथ सब भाइयों को दिखा दें ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये ले दोस्तों, अब कुछ दोस्तों का ये भी सवाल है कि यार मुर्गी रात को बिठानी चाहिए, मुर्गी सुबह को बिठानी, ये यार सब गलत बातें हैं। अगर आप रात को बिठाएंगे तो आपकी मुर्गी रात को बच्चे निकाल लेगी, अगर आप सुबह को बिठाएंगे तो आपकी मुर्गी सुबह दिन को बच्चे निकाल लेगी। तो मैं तो तकरीबन आपको पता है मेरा तो चूज़ों का ही काम है, तो मैं तो दोस्तों दिन के टाइम ही बिठाता हूँ ताकि अब चूज़े निकले तो ना हम अच्छे तरीके से देख सकें कि हमारी जो मादी है वो चूज़े कैसे निकालती है, कोई बच्चा ख़राब तो नहीं होता, किसी को मसला तो नहीं बनता, तो हम अच्छे तरीके से ना दोस्तों उसको संभाल सकें। और याद रखें जहाँ भी मुर्गी बिठाएँ वहाँ पर बल्ब का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अगर मुर्गी को अंधेरा भी हो जाए तो बल्ब चलता हो तो बच्चा कोई नीचे आके मार ना जाए। तो ऐसा गौर करनी है आपने दोस्तों। तो ये अंडे आ गए माशाल्लाह, ये ले जी। तो ये लें जी, ये भी आ गए माशाल्लाह, ये लें जी। तो अंडे दोस्तों हमारे हैं 4 और 4 8 और 1 9 अंडे। तो इसने आगे ये तकरीबन इतने ही अंडे देती है, आगे अंडा नहीं दिया, देख सकते हैं आप बिल्कुल तैयार है। तो ये छोटी मुर्गी है मियाँ वाली की, तो ये तकरीबन इतने ही अंडे देती है। तो बाकी आ गई अब कोलों पे बात। तो कोले अगर किसी को मसला है भाई को तो वो ऐसे ही देखें, ऐसे माल थोड़े थोड़े इसमें ना रख लें, ये हो गया। दूसरा इस पर दोस्तों निशान लगा लें, वो आपको पता ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें ये दोस्तों निशान लग गया अंडों पर, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं माशाल्लाह। ये ले जी, ये अंडों पर निशान लग गए। तो एक तो ये बात होगी और दूसरी दोस्तों पानी देख लें, पानी दोस्तों आपके मुर्गी के सामने 24 घंटे पड़ा हो, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी मुर्गी के सामने पानी 24 घंटे होना चाहिए। तो जब भी उसका दिल करे दोस्तों वो पानी पिए। अगर आप उसको दाना पानी बार बार ये बात समझाता हूँ कहता हूँ नहीं पूरा डालेंगे तो ये बात याद रखना आपकी मुर्गी को बीमारियाँ लगेंगी। कौन सी? अंडे पीने वाली, अंडे तोड़ने वाली, तो ऐसी बीमारियाँ लगेंगी। तो जैसे टेम्परेचर माशाल्लाह 40, 45 पर 42 पर पहुँच गया है, अगर आपने पानी या दाना टाइम पर नहीं दिया तो एक बात याद रखना आप बहुत बड़े नुकसान के लिए तैयार भी रहेंगे, क्योंकि आपकी मुर्गी मर भी सकती है। अगर पानी की कमी हुई या कोई मसला बना तो आपकी मुर्गी दोस्तों मर भी सकती है, ये बात याद रखना। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। और एक वो बताता हूँ आपको, जो पाउडर है जो पानी में मिक्स करना है जो पानी की कमी पूरी करता है, वो भी साथ में इंशाल्लाह ताला। ये आ गया जी, देख सकते हैं आप, पेडियाटल पैड ट्रेल। तो दोस्तों इसको पानी में हल्का सा मिक्स करना है ऐसे, इससे दोस्तों ये थोड़ा सा भी पानी पिएगी ना तो इसकी पानी की जो कमी है वो पूरी रहेगी, तो आपकी मुर्गी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, इसको कोई मसला नहीं बनेगा, पानी की कमी नहीं होगी। तो चलें बिठाते हैं अपनी मुर्गी को दोस्तों और देखते हैं क्या कहती है अंडों पर, कोशिश करते हैं बिठाने की। दोस्तों मादी जो है हमारी आ चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं अब क्या करती है, अंडों पर बैठती है या क्या करती है, क्या मूड है इसका। तकरीबन ये कुड़क पर तो तैयार है, मुझे लगता है थोड़ा सा ना चूज़ों की वजह से ना डिप्रेशन में है। तो देखते हैं अभी दोस्तों इसको, उम्मीद तो है कि ये बैठ जाएगी। आ रही है जी, आ गई है इंशाल्लाह ताला। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह, मादियाँ हमारी जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं और घर की हैं, ये तकरीबन अंडों पर जो हैं दोस्तों बैठ जाती हैं, कभी इन्होंने तंग नहीं किया।
देख लें जी माशाल्लाह। तो अब जैसे ही दोस्तों ये अंडों पर बैठ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये ना अंडों को अपने नीचे पूरा कर लेगी, और कल तक दोस्तों ये पूरी मुकम्मल तरीके से ना अंडे अपने नीचे करके रेडी हो जाएगी। तो तरीका आपके सामने, आप सब देख रहे हैं, काफ़ी भाई कमेंट करते रहते हैं तो मुर्गी कैसे बिठाते हैं, तो देख लें दोस्तों आप। और याद रखें, सर्दी में कोई मसला नहीं, गर्मी में आपने ख़ास ख्याल रखना है पानी वगैरह का। अगर आप पानी वगैरह का ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो याद रखें आप नुकसान भी कर सकते हैं। तो मुर्गी जो अभी है हमारी बैठ गई है माशाल्लाह, तो मुझे लगता है ये भी सारे बाहर से आ गए हैं, देखें लगता है ये इसी को देखने आए हैं कि आज ये क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह जी हमारा ब्रीडर इसी के बच्चे हैं, और इसी के साथ ये मादी लगी हुई थी जो अंडों पर बिठाई है। तो एक भाई है अरफान भाई, उसने इसके चूज़े हमसे मंगवाए हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं चूज़े निकलते हैं दोस्तों तो फिर चूज़े देते हैं इनको इंशाल्लाह। ये ना जी, तो देखो दोस्तों माशाल्लाह मादी जो है हमारी वो अंडों पर बैठ गई है, ठीक है। यही तरीकाकार होता है दोस्तों। तो अभी तकरीबन दिन का 11-12 बजे का टाइम है, तो ख़ास बात जो है आपको बता दूं कि ये दोस्तों आ गया हमारा पानी वाला निज़ाम। ये याद रखनी है, ये चीज़ अपने परिंदों को ज़रूर दें, चाहे कोई मुर्गी अंडों पर बैठी है, चाहे कोई मुर्गी बाहर है, कभी पानी का मसला नहीं बनेगा, पानी की कमी नहीं होगी। तो ये चीज़ ज़रूर पानी में डालें। तो ये पानी हमारा आ गया, ये बात भी याद रखनी है, पानी जो है दोस्तों वो हर वक्त इसके सामने पड़ा हो ताकि जब भी इसका दिल करे ये पानी पी सके। देखते हैं जी माशाल्लाह मुर्गी हमारी जो तसल्ली से बैठ चुकी है। तो अभी जब 10 से 12 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर आपको दोस्तों दिखाएंगे अंडे में चूज़े चेक करके। तो आपको उम्मीद करते हैं सब बातों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो आपका भाई आपको बता देगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सील मुर्गा सेटअप। तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और जो है बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप सबको तो पता है कि हमारा जो है वो ब्रीडिंग का हमारा मेन जो मकसद टॉपिक है सील मुर्गा सेटअप में, वो ब्रीडिंग करवाते हैं, मुर्गी अंडों पर बैठाते हैं और चूज़े निकलवाते हैं, फार सेल भी करते हैं। तो यही तरीकाकार है। तो अगर आप चूज़ों के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आए, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, और आपको हर बात ही अच्छे तरीके से समझ आएगी और आपको हम समझा भी सकेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, अब हमें दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।